अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंटेन एवरेस्ट का शिखर हो या आपका पेशा। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों से ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्याएं सामान्य हैं, लेकिन आपका नजरिया उसमें अंतर पैदा करता है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। जो अपने दिल से काम नहीं करते, वो हासिल तो करते हैं लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। क्या हम नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है? तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह ना पहुंच जाओ। अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। भगवान की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो बहुत से होंठ ये कहने के इंतजार में होंगे कि आपकी पहली सफलता केवल एक तुक्का थी। मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के तीन प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं, माता, पिता और गुरु। आइए हम अपने आज का बलिदान दें, ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। युवाओं को मेरा संदेश है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने, समस्याओं पर जीत हासिल कर सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण है जिसके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। जिस दिन आपके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए।